जब कभी आपके घर में बासी चावल बन जाता है तो आप उसको मसाला भात या डोसा या इडली बना लेते हैं। लेकिन आज इन सब से अलग एकदम कमाल का बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। उसी के साथ एक चटपटी सी चटनी एकदम हेल्दी तरीके से। एक बार इस रेसिपी को देखेंगे तो जानबूझकर चावल बचाकर रखना शुरू कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने भुना हुआ सेंगदाना लिया हुआ है। छिलकों को सेंगदाने से अलग करने का एकदम अलग तरीका आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक मिक्सर जान लेंगे। भुने हुए सेंगदाने को एक बार ग्राइंड करेंगे हल्का सा, और आप देख रहे होंगे तो इसकी स्किन आराम से निकल गई। अब एक बार फूंक मारिए और आपकी सेंगदाने के छिलके अलग हो गए सेंगदाने से। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंगदाना यहाँ पर लेंगे, जो दरबरा हमने पीसा है उसी के साथ एक छोटी कटोरी मखाना लेंगे। मखाना ना हो तो उसकी जगह पर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे काजू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च, दो तीन लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं, और इसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमकीन। नमकीन कोई भी आपके घर में हो आप उसे ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार नमक डालना भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ एक बार हल्का दरबरा हम ग्राइंड करेंगे। उसके बाद इसमें नमक ऐड किया, जो मैंने पहले ही बताया। स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक और 1/4 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, इससे इन्हेंस करेगी ये चटनी को। और 2 चम्मच यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास रात का बचा हुआ चावल था, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया। सुबह नाश्ता बनाना है तो इस चावल का क्या करूँ, तो मैंने सोचा आज इसी से ही कुछ अलग नाश्ता बनाया जाए। इस नाश्ते को बनाएंगे, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसे बासी चावल से बनाया है। यहाँ पर हरी मिर्च एक दो जो आपको लगे उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक हरी मिर्च मैंने ऐड किया है, जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 चम्मच। अच्छे से सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया हुआ है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। ऐसे ही कमाल के नाश्ते अच्छे और हेल्दी और बजट में रहकर बनाने के लिए। यहाँ पर हमने दूसरे बर्तन में चावल को ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है, और उसके बाद हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे, जैसे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया। आप अपने मनपसंद के अनुसार यहाँ पर सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा अक्सर मेरा बच्चा मंगा के खाता रहता है, तो उसकी पाउच है 2, एक चिली फ्लेक्स की, एक ऑरिगिनो की। तो मैंने दोनों पाउच एक एक करके डाल दिया हुआ है। ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद तिल 1/2 चम्मच, और उसी के साथ हम इसमें 1/2 चम्मच यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा कलर अच्छा दिखे इसीलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला ऐड किया हुआ है। अब हम जिस मिक्सचर जार में चटनी पीसे थे उसी में हम यहाँ पर 2 ब्रेड ग्राइंड कर लेंगे। इससे हमारा नाश्ता ज़्यादा फ्लफी बनेगा और क्रिस्पी। साथ में ही 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी डालेंगे। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जानने के लिए इसमें आप यहाँ पर 1/2 कटोरी चावल का आटा डालेंगे, उससे आपका नाश्ता क्रिस्पी के साथ कुरकुरा एकदम बनेगा, अंदर से सॉफ्ट बाहर से एकदम क्रिस्पी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद हमें एक तैयारी और करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी इसकी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे,
तेल देख रहे होंगे तो ज़्यादा है। हम यहाँ पर चटनी का तड़का भी साथ में लगाएंगे, इसलिए मैंने तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सफ़ेद तिल और जीरा डालकर अच्छे से भून तड़के को होने देंगे। उसके बाद जो चटनी बनाई थी उसमें हम इसे ऐड करेंगे। जो कढ़ाई में हमने तड़का लगाया उसी में इस तरीके से, अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है तो बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए कि ये जो बैटर है चिपकेगा, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो थोड़ा सा चिपक सकेगा। और इसको जब हम डालेंगे तो थोड़ा थिक करके हमें डालना है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हम यहाँ सफ़ेद तिल, जिससे नाश्ता दिखने में अच्छा लगे, और धनिया थोड़ा गार्निशिंग करेंगे, उसी के साथ हल्का सा चिली फ्लेक्स डालेंगे जिससे हमारा नाश्ता देखने में भी सुंदर लगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे कि नाश्ता ऊपर से और अंदर से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है इसका। तो अब हम इसे देख रहे होंगे तो साइड में से तेल अच्छे से निकल गया है। उसी तरीके से हम दूसरा भी दिखाते हैं। किसी किसी के पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं होती है तो आप नॉर्मल तावे पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर तेल डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर जैसे डोसा तैयार करने के लिए हम तावा तैयार करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर तैयार करेंगे। और तावे पर इस तरह से बैटर को डालेंगे और उसके बाद रोटी की तरह इसे हल्का मोटा फैला लेंगे और धीमी गैस रखेंगे, नहीं तो नीचे ये जल जाएगा, ऊपर से अच्छे से पकेगा नहीं। इस तरह से आप सेब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद तिल, थोड़ी सी लाल मिर्च चिली फ्लेक्स डालेंगे और अच्छे से इसे गार्निशिंग करेंगे धनिया के साथ। और अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट के बाद देख रहे होंगे तो ऊपर से ड्राई हो गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर तेल लगाएंगे, आप राई की तेल के अलावा कोई भी तेल यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो इसे आप घी से भी सेक सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। और ये आराम से निकल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से पलट लीजिए और ये देखिए कितना आसानी से ये क्रिस्पी लग रहा है और दिखने में ही अच्छा लग रहा है। फिर हम दूसरी तरफ भी ढककर इसी तरीके से पकाएंगे। इस तरीके से हमें उलट पलट कर हमारा नाश्ता अच्छे से सेक लेना है। दूसरा वाला नाश्ता मेरा बेटा खा लिया, बना ही रही थी तो वीडियो शूट करना था पर उसने खा लिया तो वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक है ऑर्गेनो है उससे काफ़ी अच्छा इसका पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर भी आता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। ऊपर से देख रहे होंगे तो क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। इस तरीके का नाश्ता कोई सोच भी नहीं सकता है कि पके चावल से बनाया जा सकता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को